नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 20 वर्ष हो चुके हैं उस बात को जब इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद जापान के द्वारा हमारे देश के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। जापान इंडिया को पूरे वर्ल्ड में आइसोलेट करना चाहता था। जापान के द्वारा इंडिया को जो डेवलपमेंट असिस्टेंस दी जाती थी उसे भी बंद कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे रिलेशंस फिर से पटरी पर आने लगे। जापान को रियलाइज हो गया इंडिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनमी है, तेज़ी से इमर्ज होती हुई इकोनमी है। अगर इंडिया के साथ जापान डील नहीं करेगा तो जापान का ही नुकसान होगा। दूसरा, चाइना की थ्रेट को देखते हुए भी जापान ने इंडिया के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करना मुनासिब समझा। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक ओशियन में मैरीटाइम कोऑपरेशन होने लगा और अब रिलेशंस काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। यानी इंडिया और जापान के रिलेशंस में अब काफ़ी गर्माहट आ चुकी है। दोनों देश एक दूसरे को स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनर मानते हैं। लेकिन देखो, इंडिया और जापान रिलेशंस के संदर्भ में एक काफ़ी फेमस बात बोली जाती है, टाइज आर ए माइल वाइड बट एन इंच डीप। मतलब इंडिया और जापान रिलेशंस की चौड़ाई तो बहुत है लेकिन गहराई नहीं है। कहने का एसेंस, बातें ज़्यादा काम कम। कहने को तो हम काफ़ी सारे सेक्टर्स में कोऑपरेट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में एंगेजमेंट का मैनिफेस्टेशन नहीं देखने को मिलता। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। कहने को तो देखो, 2011 में इंडिया और जापान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया था। 7 साल हो चुके हैं, अभी भी दोनों देशों के बीच ट्रेड $20 मिलियन तक भी नहीं पहुँच का है, जबकि चाइना और जापान के बीच ट्रेड होता है $300 बिलियन। हम पिछले 6 सालों की बात करें, 6 में से 4 साल तो इंडिया का एक्सपोर्ट जापान में बढ़ने के बजाय कम हुआ है। इकोनॉमिक डायमेंशन के बाद हम बात करते हैं रीजनल कोऑपरेशन की। जापान और इंडिया ने बड़ी बड़ी बातें की चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इस्टाब्लिश किया जाएगा, यानी इस कॉरिडोर के अंतर्गत जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश किए जाएंगे। लेकिन देखो, बातें हैं, अभी तक एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित प्रोजेक्ट नहीं इस्टाब्लिश किया जा सका है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत। रीजनल कोऑपरेशन के बाद बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन की। डिफेंस कोऑपरेशन में सबसे बड़ा गैप देखने को मिलता है। काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं इंडिया और जापान के बीच, जैसे जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एडवांस करने के लिए एक्शन प्लान भी डिक्लेयर किया गया। डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर एग्रीमेंट भी साइन हुआ इंडिया जापान के बीच। एक क्लासिफाइड मिलिट्री इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एग्रीमेंट भी साइन हुआ। और सबसे लास्ट में बात चल रही है अभी लॉजिस्टिकल स्पोर्ट कोऑपरेशन टॉक्स। अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इंडिया जापान के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकेगा और जापान इंडिया के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन देखो, इन एग्रीमेंट्स को साइन हुए काफ़ी साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक एक भी डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया के द्वारा इंपोर्ट नहीं किया गया है, परचेज नहीं किया गया है जापान से। एम्फीबियन एयरक्राफ्ट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था सैटरडे को, पिछले 5 सालों से नेगोशिएशंस चल रही हैं। इंडिया जापान से एम्फीबियन एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है लेकिन प्राइसिंग को लेकर डिफरेंस है। जापान सस्ता बेचने को तैयार नहीं है। इसके अलावा दोनों देश बड़ी बड़ी बातें करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है दोनों देशों के द्वारा। अगर कोई कन्वेंशनल थ्रेट स्पेसिफिक कंटेंजेंसी सिनेरियो आता है तो दोनों देशों की मिलिट्रीज कैसे कोऑपरेट करेंगी। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए चाइना अटैक कर देता है जापान के ऊपर, तो क्या इंडिया अपनी आर्मी भेजेगा जापान को बचाने के लिए? अगर चाइना इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है, क्या जापान अपनी आर्मी भेजेगा इंडिया को बचाने के लिए? मतलब इस प्रकार का कोई कन्वेंशनल थ्रेट स्पेसिफिक कंटिजेंसी सिनेरियो आता है तो दोनों देशों की मिलिट्री के बीच किस प्रकार का कोऑपरेशन होगा, ये सब कुछ अभी डिसाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं चाइना की।
दोनों देश काफी बार ऐसी बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में जो चोक पॉइंट्स हैं, जैसे देखो मलक्का स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है, मलक्का स्ट्रेट को अगर बंद कर दिया जाए तो वेस्ट एशिया से सिप्स जो जाते हैं ऑयल के साउथ चाइना सी में, उनके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। तो इंडिया और जापान काफ़ी बार इस प्रकार की बातें करते हैं कि चाइनीज शिपिंग के लिए चोक पॉइंट्स की सहायता से उनके लिए कम्युनिकेशन बंद कर दिया जाए, लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है देखो ये सिर्फ बातें हैं, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। और चाइना कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, उनके लिए आप शिपिंग रूट को बंद कर दोगे तो उनको नुकसान पहुंचेगा। इतिहास गवाह है, नेपोलियन ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी। नेपोलियन ने उस समय यूके को आइसोलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन नुकसान चुकाना पड़ा था नेपोलियन को बहुत ज़्यादा। तो चाइना जैसी पावर्स के लिए शिपिंग रूट्स को बंद करना आसान नहीं है, अगर किया भी जाता है तो दूसरे देशों को बल्कि ज़्यादा नुकसान होगा। कंक्लूजन में कहा जाता है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन तो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया और जापान के रिलेशंस में, जैसे इंडिया और जापान के बीच 2+2 डायलॉग होता है, एनुअल समिट ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन सिर्फ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। इंस्टीट्यूशंस इस्टाब्लिश किए जाते हैं ताकि रिलेशंस को और ज़्यादा गहरा बनाया जा सके, लेकिन वो सब यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। देखो वैसे तो दोनों देश यही बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनमी होनी चाहिए। जब भी कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं इंडिया US के पाले में शामिल हो रहा है, तो इंडिया बोलता है नहीं, हम किसी के पाले में नहीं शामिल हो रहे हैं, हम चाहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी अपनी फॉरेन पॉलिसी में, यानी हम किसी देश के दबाव तले काम नहीं करना चाहते, हम हमारी फॉरेन पॉलिसी खुद से ही डिसाइड करना चाहते हैं। इवन देखो आज़ादी के बाद अभी तक इंडिया किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ है, हालांकि आरोप इंडिया पर लगते थे कोल्ड वार के दौरान कि इंडिया USSR की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडिया USSR के ग्रुप में शामिल हो गया और USSR ने जो बोला वो हमने मान लिया। हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते वक्त हमने आज़ादी बरती है, यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस किया है। दूसरी तरफ जापान की बात करें, जापान पिछले 150 सालों में वेस्टर्न कंट्रीज लेड ऑर्डर के अलावा कोई दूसरा ऑर्डर प्रपोज नहीं कर पाया है। आप देख लीजिए पिछले 70 सालों में जापान जो है वो USA का साथी रहा है, लेकिन यानी इंडिपेंडेंट रूप से जापान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट नहीं किया है। आवश्यकता ये है जापान इंडो पैसिफिक रीजन में एक इंडिपेंडेंट अप्रोच को अपनाए। अभी तक देखो इंडो पैसिफिक रीजन में जो कुछ USA बोलता है जापान USA की बात मान लेता है, लेकिन जापान को इंडो पैसिफिक रीजन में एक इंडिपेंडेंट अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, और वो अप्रोच इंडिया जैसे पार्टनर कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए जापान अपनाए, तब जाके रिलेशंस में और ज़्यादा एंगेजमेंट देखने को मिलेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया जापान रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। द इंडिया जापान बायलेटरल एंगेजमेंट इज गेनिंग मोमेंटम, क्रिटिकली डिस्कस हाउ वुड इंडियाज ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू जापान चेंज रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन एशिया। शुरुआत में देखो आपको ये बताना है इंडिया और जापान के बीच बायलेटरल एंगेजमेंट किस प्रकार से जोर पकड़ रही है। आप काफ़ी सारी डायमेंशंस यहाँ पे दे सकते हो, इकोनॉमिक डायमेंशन, डिफेंस की डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, रीजनल कोऑपरेशन डायमेंशन। दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली डिस्कस हाउ वुड इंडियाज ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू जापान चेंज रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन एशिया। जापान और इंडिया के बीच बढ़ती हुई नज़दीकी कैसे एशिया के अंदर रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे देखो आप काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे चाइना अपना रुतबा बढ़ाता जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सहायता से, जापान और इंडिया आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को इस्टाब्लिश करने में, ताकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्ट्स इस्टाब्लिश किए जाएँ और चाइना को कंटेन किया जाए, चाइना की बढ़ती हुई डोमिनेंस को रोका जाए। इसके अलावा कैसे इंडिया और जापान मैरीटाइम कोऑपरेशन कर रहे हैं वो आप लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो जापान ने इंडिया का साथ दिया टेररिज्म के मुद्दे पर, और इसके बदले में नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर इंडिया ने जापान का साथ दिया। USA अपने कदम पीछे खींच रहा है, USA की जो पिवट टू एशिया पॉलिसी है वो अब ठंडे बस्ते में है, तो जापान और इंडिया का कोऑपरेशन जो है वो एक प्रमुख ब्लॉक इमर्ज होके आ रहा है। इवन क्वैड के बारे में आप लिख सकते हो। बाद में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लिखने होंगे, इंडिया और जापान के बीच नज़दीकी जो बढ़ रही है उससे एशिया के रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में कोई खास बदलाव होने वाला है नहीं। ये सारे पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए,
कैसे मिलिट्री कोऑपरेशन की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन 10 सालों में कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेज नहीं हुआ है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के अंतर्गत एक भी प्रोजेक्ट अभी इस्टाब्लिश नहीं हुआ है। तो दोनों तरफ के पॉइंट्स आप लिखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।